वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। एडियम्स एंड फ्रेजेज में आज फिर पांच 11 से लेकर 15 तक हम देखेंगे एडियम्स एंड फ्रेजेस। उससे पहले कल हमने देखा था पांच, ब्लैक शिप, ब्राउन स्टडी, चिकन हार्टेड, क्लोज फिस्टेड, कॉक एंड बुल स्टोरी। ये पांच हमने कल देखा था। कल हमने घोस्ट का, इसको GHOST को घोस्ट बोला था, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन गोस्ट होता है। ये करेक्शन मुझे करना था, ये ध्यान रखेंगे। ब्लैक शिप, ब्राउन स्टडी, चिकन हार्टेड, क्लोज फिस्टेड, कॉक एंड बुल स्टोरी, ये हमने कल देखे थे। आज देखने वाले हैं कर्टन लेक्चर, कर्टन या कर्टन कुछ भी पढ़िए, कर्टन लेक्चर कहिए, डच करेज, इजी वर्चू, ड्रैग इन द मार्केट, फेयर सेक्स। पहला है कर्टन लेक्चर। कर्टन मतलब जानते हैं पर्दा। तो पर्दा में जो लेक्चर होता है, पर्दा में लेक्चर कौन दे सकता है? पत्नी दे सकती है लेक्चर। और पर्दा में लेक्चर देगी तो पत्नी डांट लगाएगी। याद करने के बता रहा हूँ, कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जो कर्टन लेक्चर होता है उसकी हिंदी होती है शयनगार में पत्नी की डांट। और शयनगार का इंग्लिश तो आप सबको पता है, सबसे बहुत पहले से ही, दैट इज बेडरूम। बेडरूम में पत्नी की जो डांट होती है, डांट सुनाती है, उसे बोलते हैं कर्टन लेक्चर। इसका एक सेंटेंस है यूज करता हुआ, अ कर्टन लेक्चर इज द वर्स्ट थिंग इन फॉर अ हस्बैंड, इज द वर्स्ट वर्स्ट थिंग फॉर अ हस्बैंड। एक पति के लिए शयनगार में पत्नी की डांट, कर्टन लेक्चर, सबसे बुरी चीज होती है। ये हो गया कर्टन लेक्चर का। दूसरा है डच करेज। डच किसे कहते हैं? जो नीदरलैंड्स के लोग हैं उन्हें डच कहते हैं। डच करेज ऐसे ही आप जानते हैं, इंग्लिश हमारे देश की तो है नहीं। तो जो मुहावरे बने हैं ये सब कहानियों के आधार बन गए हैं। तो जो भी कहानी इसके पीछे होगी कोई बात नहीं। डच करेज का मतलब होता है नशे का जोश। नशे का जोश क्या होता है? जब नशा में होता है कोई, वो लगता है कि वही दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है, महान है। और नशा उतरते ही फिर बहुत सा सामान्य इंसान बन जाता है। तो उस वक्त जो जोश होती है नशे के वक्त, उसको बोलते हैं डच करेज। इसको कैसे करेंगे? वाइन गिव्स राम डच करेज। वाइन राम को नशे का जोश देती है। विच गोज डाउन, जो उतर जाती है सुन जल्दी ही। वाइन राम को नशे का जोश देती है और जो जोश जल्दी ही उतर जाती है, इसको बोलते हैं डच करेज, नशे का जोश। नाउ इजी वर्चू। इजी वर्चू का मतलब होता है नैतिकता ही। इसके वर्ड से इसका मीनिंग का मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। इजी वर्चू का क्या होगा? नैतिकता ही। आप जानते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया हूं कि नैतिकता ही इनको इमोरल भी बोलते हैं, जिसमें नैतिकता का भाव है। उचित कर्तव्य कौन सा है इसका जानकारी नहीं है, या जानकारी हुए होते हुए ऐसा नहीं करता है, उसको बोलते हैं नैतिकताहीन। इजी वर्चू, राम इज अ बॉय ऑफ इजी वर्चू, राम एक नैतिकताहीन लड़का है। नाउ ड्रैग इन द मार्केट, जिस वस्तु की मांग ना हो। ड्रैग, आप जानते हैं ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना। तो ड्रैग इन द मार्केट, मार्केट में ड्रैगिंग हो रही, घसीटा जा रहा है। क्या है? सपोज कोई आइटम है, एबीसी आइटम है, एबीसी आइटम बिक नहीं रहा, तो इसका बिके, इसके लिए जहां पे अधिक कस्टमर है वहां रखना पड़ेगा। अगर वहां भी नहीं बिक रहा तो फिर किसी और शॉप पे रखना पड़ेगा। इसकी ड्रैगिंग होती रहेगी जब तब तक ये बिक ना जाए। तो इसको बोलते हैं ड्रैग इन द मार्केट, जिस वस्तु की मांग ना हो, मांग नहीं है और मार्केट में है तो ड्रैग ही होना पड़ेगा उसको। ऐसे ही हमारे देश के जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स मतलब क्या? स्नातक की जो पढ़ाई कर लिए होते हैं उनको ग्रेजुएट्स कहते हैं, आप जानते हैं। तो ग्रेजुएट इज अ ड्रैग इन द मार्केट इन आर कंट्री, मतलब एक स्नातक जिस वस्तु की मांग ना हो वैसा होता है हमारे देश में। मतलब हमारे देश में स्नातक की मांग नहीं है, सीधा इसका हिंदी यही हुआ। अब नाउ फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मतलब होता है नारी जाति।
हाँ बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप जानते हैं स्पोकन इंग्लिश में ऐसे एग्जाम में तो बता दिया, वो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। आप स्पोकन इंग्लिश में डेली यूजेज में इन सब का यूज करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ और ही झलक आएगी। हाँ ब्लूम होगा पर्सनालिटी आपका, वैसे ही फेयर सेक्स ऐसा ही वर्ड है। नारी जाति को आप वीमेन कहते हैं, फीमेल कहते हैं, वहां पे वो अगर फेयर सेक्स कहें तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा वर्ड हो जाएगा। देखिए द फेयर सेक्स इज इंटेलिजेंट बाय नेचर, नारी जाति स्वभाव से ही बुद्धिमान बुद्धिमान होती है। यह हो गया इसका सेंटेंस में यूज। तो आज हमने 5 कर्टेन लेक्चर, श्यानगार में पति की डांट, डच करेज नशे का जोश, इजी वर्चू नैतिकताहीन, ड्रैग इन द मार्केट जिस वस्तु की मांग ना हो, फेयर सेक्स नारी जाति देखा है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।